दोस्तों, आप में से कुछ व्यूअर्स ने मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछा है कि कार को बिना स्टार्ट किए हुए कितना टाइम हम उसका म्यूजिक सिस्टम जो है यूज कर सकते हैं। उन्हीं कमेंट्स के नीचे आप में से कुछ लोगों ने रिप्लाई किया, कोई कह रहा है 30 मिनट्स, कोई कहता है 1 आवर, ऐसे अलग अलग जो है टाइमिंग लिखे गए। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इसके ऊपर एक एक्सपेरिमेंट कर आपको बताऊं कि मेरी कार में कितना टाइम म्यूजिक सिस्टम चलता रहा है। तो मैंने इसके ऊपर 3 एक्सपेरिमेंट्स किए और उनका रिजल्ट मैं आपको जल्द ही बताने वाला। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सुरजीत पाल और मैं आपका बहुत स्वागत करता हूं बी टेक्निकल विद सैंडी के एक और नए एपिसोड में। दोस्तों, मैं आपको ये बता दूं, ये एक्सपेरिमेंट मेरी गाड़ी डिजायर पर किया गया है जो 4 साल पुरानी है और ओरिजिनल बैटरी के साथ है। तो मैंने बैटरी अभी तक रिप्लेस नहीं करवाई, तो ये टाइमिंग्स वेरी कर सकते हैं मॉडल टू मॉडल, डिपेंड करता है आपकी कार की बैटरी की कैपेसिटी क्या है। मतलब वो 35 एम्पीयर है, 45 एम्पीयर है, 55 एम्पीयर है या उससे भी बड़ी बैटरी है, तो ये टाइमिंग्स जो है वो वेरी कर सकते हैं बैटरी टू बैटरी। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले जल्दी से वीडियो को पॉज करिए और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि पता नहीं बाद में मौका मिले ना मिले। चलिए एक्सपेरिमेंट पे आते हैं। एक्सपेरिमेंट में मैंने क्या किया कि कार की बैटरी को पहले चार्ज किया, 7 आवर्स लगा के फुली चार्ज किया ताकि मैं प्रॉपरली इसको चेक कर सकूं, और उसके बाद मैंने म्यूजिक सिस्टम ब्लूटूथ से कनेक्ट करके अपने मोबाइल को भी इसके साथ पावर को कनेक्ट करके जो है प्ले कर दिया। तो टाइमिंग्स जो आए मैं उसका आपको बताता हूँ। सबसे पहले मैंने 1 घंटे के लिए इसको ट्राई किया फर्स्ट डे, 1 घंटे मतलब म्यूजिक सिस्टम चलता रहा, और उसके बाद मैंने गाड़ी को स्टार्ट किया 1 आवर मतलब 60 मिनट्स के बाद, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आई, गाड़ी प्रॉपरली स्टार्ट हो गई। तो जिन भाइयों ने कहा कि गाड़ी 30 मिनट्स, 40 मिनट्स, 50 मिनट्स तक मैक्सिमम म्यूजिक प्ले कर सकती है, तो 60 मिनट्स तक कोई प्रॉब्लम नहीं आई दोस्तों। उसके बाद नेक्स्ट डे मैंने मतलब नेक्स्ट उस रात को फिर से बैटरी को चार्ज किया और नेक्स्ट डे उसको फिर से ट्राई किया, तो अगला मेरा जो था वो है 1 आवर एंड 40 मिनट्स के बाद, मतलब 100 मिनट्स के बाद, 1 घंटा और 40 मिनट के बाद मैंने गाड़ी को स्टार्ट किया, तो तब थोड़ा प्रॉब्लम आया दोस्तों। तो बैटरी में चार्ज थोड़ा कम हो गया, गाड़ी स्टार्ट होगी बेसिकली, लेकिन उसको काफी कुछ टाइम लग गया। मतलब मैंने उसको इग्निशन को दिया, जब मैंने सेल्फ को चलाया तो उसको थोड़ा टाइम लगा, थोड़ा मतलब प्रॉपर चार्ज नहीं था। तो फिर मैंने रात को फिर से गाड़ी को प्रॉपरली चार्ज किया, बैटरी को चार्ज किया, और थर्ड डे जो मैंने एक्सपेरिमेंट किया और मैंने छोड़ दिया फिर उसके बाद कि अभी जितना चलता है तो देखते हैं। तो दोस्तों 2 आवर्स एंड 7 मिनट्स, 2 घंटे और 7 मिनट के बाद जो है गाड़ी वो बिल्कुल मतलब डिस्चार्ज होगी इसकी बैटरी। तो आप लोग मतलब डिपेंड करता है बैटरी टू बैटरी, बट मेरी गाड़ी 2 घंटे और 7 मिनट तक इसकी बैटरी ने इसके म्यूजिक सिस्टम को चलाया, जिसके साथ साथ मोबाइल भी चार्जिंग पे लगा रहा। तो दोस्तों, आई होप ये एक्सपेरिमेंट आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा, कुछ नया आपको जानने के लिए मिला होगा। अगर लाइक वो सब्सक्राइब एंड आपके दोस्तों के साथ इस अच्छी इन्फॉर्मेशन को शेयर नहीं किया तो जल्दी से कर दीजिए दोस्तों। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।